छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में इंटीरियर डिजाइनर पर चाकू से हमला, कार के नीचे पटाखा फोड़ने से टोका तो बदमाश ने चाकू से किया अटैक, बचाने आया भाई भी घायल। शनिवार की रात इंटीरियर डिजाइनर तिलक ताम्रकार पर इलाके के पुराने बदमाश गौरव तांडी ने चाकू से हमला कर दिया। तिलक को बचाने आए उसके भाई आशीष ताम्रकार पर भी बदमाश ने चाकू चला दिया। दोनों भाइयों के सिर, जांग और कमर के नीचे हिस्से में गंभीर चोटें आई है। इस हमले में दोनों की जान भी जा सकती थी। आजाद चौक थाने में अब इस कांड की वजह से गौरव तांडी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। तिलक ने बताया कि शनिवार रात वह अपने घर के बाहर बैठा था, तभी वहां गौरव तांडी ने किनारे पर खड़ी कार के नीचे फेंक कर पटाखे फोड़े। मैंने उसे टोका तो मुझे गालियां देते हुए भाग गया। करीब 15 मिनट के बाद वो अपने कुछ साथियों के साथ लौटा और मेरे साथ मारपीट की। उसने अपनी कमर में फंसे चाकू को निकाला, मेरी जांग और पेट पर वार कर दिया। मारपीट में मेरे सिर पर चोट आए थे। ये देखकर मेरे भाई आशीष ने बीच बचाव करना चाहा तो गौरव ने उसे भी चाकू से मार दिया। घर वाले हमें पुरानी बस्ती के अस्पताल लेकर गए। वारदात के बाद से बदमाश गौरव तांडी फरार हैं, पुलिस उसे ढूंढ रही है। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।